राम राम दोस्तों, दोस्तों मैं संजीत आस्था रशिया मी रमेश चायल द्वारा लिखी एक कविता लेके हाजिर होया हूँ दोस्तों। दोस्तों रे ईसा दर्द है भाई, फौजी भाइयों का दर्द है रे। वह माँ जो बेटन बड़े नाजो तपाला है, बड़े लाड प्यार तपाला है, वो बाप जो मजदूरी कर करके पेट मोस मोस के बेटन पाला है, फौज में भर्ती करवावा है, और वो बेटा जो दिन रात मेहनत कर करके रोड न बाज बाज के जवानू आधा कर दे रहे, वो बेटा जब किसी आतंकवादी हमले में शहीद होवा है, उसका आधा शरीर जब घर ना हुआ है, तो वह माँ मंत्रियां तर देश के हुक्मराना तक के सवाल करे है। दोस्तों यह कविता हर उस हुक्मरान ती पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह हर उस माँ की आवाज है जिसका बेटा फौज में शहीद होया है और जिसकी डेड बॉडी आधी आई है रे गरना, जो तिरंगा में लिपट के जिसके मांस के लोथड़े मांस के टुकड़े आए हैं। एक दर्द है दोस्तों, यो दर्द हर उस आदमी ती पहुंचना चाहिए, हर उस हुक्मरान ती पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों कविता शुरू करूं कि आज उस टाइम धरती माँ की जमा छाती पाटगी, आज उस टाइम धरती माँ की जमा छाती पाटगी, जद वह शहीद की माँ बेटे की लाश लेन तो नाटगी, बोली मने तो शेर जामया था, लड़न खातर बॉर्डर पर गालिया था, और जद भर्ती का टेम नेमा की जमा चाल चाल गालो थे, कि जद भर्ती का टेम नेमा की जमा चाल चाल दियो हो, एक इंच भी कम रह जाए था मैं उल्टा घर न गाल दियो हो, और मेरा रणबीर तो कद काठी में बिल्कुल पूरा है, फिर रे बावड़े आज उसका यो शरीर क्यों आधा अधूरा है। अफसर और नेता उड़े खड़े लोगा का नहीं लखाए, अफसर नेता उड़े खड़े लोगा का नहीं लखाए, शहीद की माँ के सवालों के जवाब नहीं खोज पाए। थोड़ी सी हिम्मत करके नेता बोलन लग गया, बीच बीच में खंगार के बोला के वजन तोलन लग गया, बोला माता जी तेरा बेटा का बलिदान खाली नहीं जावेगा, 56 इंच का सीना एक का बदले 10 शेर काट के लियावेगा। माँ की आंखें में तो आंसू की जगह अंगार बरसन लागे, बूढ़ी शेरणी की दहाड़ सुन के नेता पानी न तरसन लागे, गरज के बोली रे कबीज क्यों मेरे पुराने गाया न छोल है, छाज तो बोले रे छलनी भी बोले है, साल पहला जेठ का शहीद छोर की जब इसे आंगन में लाश पड़ी थी, तब भी तोय था जिसने जुमले की या बात गढ़ी थी, या वाय जगह है आज तू खड़ा जीत है, कर बोले या वाय जगह है आज तू खड़ा जीत है, पहले तू नू बता उस रणधीर आले 10 शेर कित हैं। माँ के इस सवाल पर बखत न भी जमा जाड़ भी चली, नू लागे जनू किसे न लोगों की जुबान खींच ली, फिर बोली चूड़ी पार लो वो सारे जो डर के पर आ गए हैं, चूड़ी पार लो वो सारे जो डर के पर आ गए हैं, मारे बड़का का पत्थर मारनी रखे थारे जमाए लग गए हैं, या रोज रोज की हार थार है मन का चोर है, और गदड़ा का हाथ में आज शेरा की डोर है, एक दिन खातर भी जाइए जेवड़े ढीले छूट जाएंगे, तो लाहौर तक मेरे शेर सूटम सूट जाएंगे, कश्मीर का फाना तो काटेंगे, गैल कराची और लाहौर में भी रहे तिरंगे काटेंगे, गैल कराची और लाहौर में भी तिरंगे काटेंगे, जब इन सारे गदड़ा की देही का चूरा भूरा हो गया, उस दिन मानूंगी कि मेरे बेटे का बलिदान पूरा हो गया, फिर ना कोई शेरणी अपने बेटे की मौत पर रो रो कटिए काटेगी, और ना मेरे वर्गी माँ बेटे की लाश लेन तो नाटेगी, ना मेरे वर्गी माँ बेटे की लाश लेन तो नाटेगी, बेटे की लाश लेन तो नाटेगी। जय हिंद, जय भारत।